हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं सेहत सुधा वेट गेनिंग पाउडर का, जो कि दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड में है। इसके बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कब कैसे यूज करें, 15 दिन में कैसा रिजल्ट रहता है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सेहत सुधा एक ऐसा वेट गेनर प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है मार्केट में और काफ़ी लोगों ने यूज किया। आप लोग यूज करने का सोच रहे हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद यूज करने का सोचें। इसकी एक पैकिंग में दोस्तों 160 ग्राम पाउडर होता है और इसका प्राइजिंग 750 रुपये के आसपास का रहता है और दो पैकिंग इसकी 1620 रुपये के आसपास में आपको मिल जाती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको बाय कर सकते हैं कुछ डिस्काउंट के साथ। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या क्या मिलता है, इसके अंदर विटामिंस, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, फाइबर, प्रोटीन, ये सब इसके अंदर मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है और क्या वो सेफ़ हैं। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए अश्वगंधा, इसके अलावा सिंगाड़ा, सफ़ेद मूसली, सतावरी, अमल की, काली मूसली, ऐसे इंग्रेडिएंटों का यूज किया जाता है जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं और आयुर्वेदिक होते हैं। दोस्तों इन सब के वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इसको कौन कौन यूज कर सकता है। इसका यूज 18 साल से बड़े गर्ल्स बॉय दोनों यूज कर सकते हैं इसको। अगर साथ में अच्छी डाइट लेते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अच्छा खासा वेट गेन कर सकते हैं इसकी सहायता से। दोस्तों सेहत सुधा वेट गेनिंग एक ऐसा वेट गेनर है जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है। इसके 15 दिन यूज करने पर आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे 3-4 वीक यूज करते हैं, यानी एक मंथली यूज करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एक महीने में आप आसानी से 1-2 kg वेट गेन कर सकते हैं और ज़्यादा यूज करते हैं 2-3 मंथली तो आप 5-7 kg तक वेट गेन कर सकते हैं। अच्छी डाइट लेनी चाहिए दोस्तों। इसको आप खाली पेट यानी नाश्ता करने के बाद भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, योगा एक्सरसाइज करने के बाद भी ले सकते हैं। एक हर्बल प्रोडक्ट है, इसके कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। ओवरडोज नहीं लेनी चाहिए, एक बार में आप कम से कम दोस्तों 2-3 ग्राम की मात्रा में इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।